मौज हो गई, बोलना मौज हो गई, मौज हो गई, रोज हो गई। मौज किसकी होती है? जिस पे बाबा कृपा बरसाते हैं, और हम सब पे कृपा बरसे तभी तो यहाँ पे आए हैं। वरना कल सुबह जब घर पे जाएंगे, आज जब जाएंगे, जब सुबह उठेंगे तो मालूम होगा कि भैया वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। हाँ, अरे विचार था मेरा जाने का, लेकिन अचानक पता नहीं वो अंधकार सा आया ना, तो मैं सो गया, जाने दे। और कितने हम सब में यहाँ पे बैठे होंगे ऐसे कि मेरा तो कोई विचार ही नहीं था, पता नहीं बाबा की कैसे कृपा हुई, मुझे आवाज सुनी कानों में कि भजन कीर्तन हो रहा, चलो। इसलिए बाबा मौज हो गई, बोलिए मौज हो गई, मौज हो गई, और मौज हो गई, क्योंकि जद बाबो पकड़ी आंगली मेरी मौज हो गई, बोलिए ना, जद बाबो पकड़ी आंगली मेरी, और होली दिवाली मेरी रोज हो गई। इसकी कृपा बरसती है ना तो घर पे रोज होली दिवाली होती है, जिस पे इसकी कृपा बरसती है, क्योंकि होली दिवाली मेरी रोज हो गई। एक बार दोनों उठा के हाथ और कहना, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई,
दुखड़ान बाबो है मातमियो, हरी गाड़ी में सावरो है भाकड़ियो, मर दुखड़ान बाबो है बाटड़ियो, मेरी गाड़ी में सावरो है मातमियो, मर दुखड़ान बाबो है दुखड़ान बाबो है बाटियो, मेरो मालिक है यो प्रतिपालक है यो, मेरो मालिक है यो प्रतिपालक है यो, मेरी लाज जगत में राखनियो। किन किन को विश्वास है कि बाबा लाज बचाते हैं? बाबा लाज बचाते, दोनों हाथ उठा के बताना अगर विश्वास है तो, पूरे हाथ खोल करके कहना, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई, हाँ जी मौज हो गई, जद बाबो पकड़ी आकड़ी मेरी मौज हो गई, जद बाबो पकड़ी आकड़ी मेरी मौज हो गई। अगर मौज हुई तो दोनों हाथ उठा के अपने मुख से गाना एक बार, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई, जद बाबो पकड़ी आंगली मेरी मौज हो गई, उठा करके दोनों हाथ मिल करके कहेंगे, जद बाबो पकड़ी